हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। डिफेंस यूएस स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कंप्लीट डिटेल्स की। जो मैंने ये वीडियो बनाई, इसमें आपको सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने से लेकर लास्ट तक आपने किस किस प्रोसेस से आप गुजरे हो, वो सभी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला आपको क्या था, पहला आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई किया था फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिजिकल टेस्ट हुआ, वो भी आपने क्लियर किया। नेक्स्ट आपका रिटन टेस्ट था, वो आपका हो गया, लेकिन आप अभी मेरिट लिस्ट यानी आपका जो रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अभी आपका रिजल्ट आने वाला है रिटन टेस्ट का, वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। वो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी, जो आपकी रिटन में आपने एग्ज़ाम दिया है वो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देखने को मिला कि जो अभी लिस्ट लगेगी, जो रिटन का आपका रिजल्ट आएगा, वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी। इसके बाद भी आपकी दो तीन प्रोसेस अभी आपकी बाकी हैं, उसमें आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपका जो अभी ट्रेडमैन वेट के लिए आपका रिजल्ट आने वाला है उसके लिए। नेक्स्ट आपका इसके बाद अगर आपका इसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट आपका प्राइवेट होगा, यानी आप कहीं से भी अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, और उस पर CMO के साइन होने अनिवार्य हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड साइन बाई CMO, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या है, CMO आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चीफ मेडिकल ऑफिसर उसको बोलते हैं, उसके आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाकर जरूर दूंगा कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट होने के बाद एट लास्ट दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आएगा, ठीक है दोस्तों। वो आपका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। उससे पहले आप अपनी ज्वाइनिंग की मत सोचिए, क्योंकि अभी आपकी तीन स्टेज बाकी हैं। जो अपॉइंटमेंट लेटर है, वो आपका जो फाइनल आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है, वो आपका उतनी ही वैकेंसियों पर होगा जितनी वैकेंसियाँ उन्होंने अपनी पहले निकाल रखी हैं, जितना नोटिफिकेशन उन्होंने दे रखा। तो दोस्तों, ये आपकी कंप्लीट डिटेल्स हैं। अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरी है, डाउट है इनसे रिलेटेड, मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, कहाँ करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ना तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ये आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी, ना कि आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद भी आपको किसी मेडिकल में से या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से कहीं से भी आपको बाहर कर सकते हैं ये, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रेंड।